नेशनल हाईवे लालबत्ती चौक पर युवक द्वारा दो युवतियों से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। युवक द्वारा छेड़छाड़ करने पर युवतियों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अपने साथ थाना ले गई। युवतियों का आरोप है कि वो घर की ओर जा रही थी कि बाइक सवार युवक ने उनके साथ छेड़खानी की और गलत शब्दों का प्रयोग किया। ये मामला खोया नहीं, ना जेब च हाथ मारिया, इस तो मैं वाले खोया थप्पड़ मारा, जो देख गया सानू ने माड़ा बोलिया, फड़ के भी सट लिया, उस तो बाद भैया आ गए, बस इतनी बात है, बस उधर पब्लिक इकट्ठी हो गई। नहीं छीना कुछ भी, कुछ भी नहीं छीना, माड़ी जी चीज दे दी, कुछ भी नहीं, साढ़े को सिर्फ साढ़े मोटरसाइकिल चाबी इन्हों को। यहाँ इस मामले में आरोपी युवक ने भी युवतियों पर आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि युवतियों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। दो लड़कियां और एक लड़का था, इन्होंने मेरे से यानी कि स्कूटर पकड़ के एकदम हैंडल पकड़ के ऐसे गिरा दिया और मेरे से फोन और छीना झपटी करने लग गए और हाथापाई हो गई उसमें यानी कि, और वहाँ की जो मार्केट थी और आने जाने वाले थे और बिश्नोई होटल वाले, और वो उन्होंने मेरे को छुड़वाया और इन ये भागने लगे, तो इनको यानी कि साथ में आकर के वो 100 नंबर पे फोन करे, पुलिस को बुला करके इनको यहाँ ले गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच की जा रही है। लगभग 8:30 बजे घटना है लालबत्ती चौक पे, तो यहाँ दो लड़कियाँ एक लड़का है, दूसरी तरफ से एक लड़का, इनके आपस में कोई तूतमामा हो रही है, तो बाद में पब्लिक पूरी इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी दोनों की तरफ से परिवाद प्राप्त हो चुका है, लड़की पक्ष की तरफ से भी हो गया, लड़के की तरफ से भी हो गया, दोनों जांच की जाएगी, जो वास्तविकता होगी वो कार्रवाई आगे की जाएगी। शिकायत में एक ने तो मोबाइल बताया भी, लड़की पक्षों ने मोबाइल छीन लिया, उसने मोबाइल चोरी कर लिया, और दूसरी तरफ से लड़की का भाई ये कह रहा है, बोले इनको ये देख रहा था ये, तो दोनों तरफ से परिवाद प्राप्त हो गई है, अभियोग अंकित किए जा रहे हैं और आगे अम्मी कार्रवाई की जाएगी।